हेलो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आपका FCRA के ऊपर है। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली ये वो एक्ट है जिससे कि फॉरेन फंडिंग के थ्रू हमारे जो नेशन में इंटरफेरेंस किसी भी तरह का उसे रोका जा सके, और इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अलग अलग रेगुलेशन लाते रहती है ताकि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है बाहर से वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसका यूज़ ना हो। 1969 में क्या हुआ था कि पार्लियामेंट को लगा कि फॉरेन पावर इंटरफेयर कर रही है और इसलिए इस एक्ट को लाने की ज़रूरत है। 1976 में FCRA इनैक्ट हुआ। उस समय आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी का टाइम था, जबकि इंदिरा गांधी उस समय रूल कर रही थी। उसके बाद 2010 में हमने क्या देखा कि जो FCRA था उसको कॉन्सोलिडेट किया गया, और ताकि फॉरेन फंड्स या उसका यूज़ किसी भी तरह से हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ना हो सके। उसके बाद 2020 में उसमें देखा गया कि एक और ज़्यादा लेयर लाया गया जिससे कि और स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जा सके, मतलब जो कंट्रीब्यूशन जा रहे थे NGOs को या जो मीडिया हाउसेस को, तो इस तरह से जो फॉरेन फंडिंग के थ्रू कोई भी इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस था उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और इसके कारण कई सारे NGOs का जो फॉरेन फंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था वो इम्पैक्ट हुआ। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस ला रही है, चेंजेस कर रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स जो है 2011 का। इसमें अब है कि 10 लाख तक का अगर अमाउंट आप भेजना चाहते हो तो इसमें आपको गवर्नमेंट की इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में अगर 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट आप ले रहे हो तो उसमें आपको 3 महीने का टाइम दिया गया है जिसमें आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो। और इस पहले क्या था कि ये सिर्फ 30 डेज था, अब ये 3 मंथ हो गया। और जो एंटिटीज़ जो ले सकते हैं फॉरेन फंडिंग वो है आपके पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेचर, जजेस, जर्नलिस्ट, मीडिया हाउस। ये लोग पहले बैन थे, अलाउड नहीं किया गया था इन्हें, लेकिन अब अलाउ किया है। साथ में टाइम लिमिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने का कि हम जो परमिशन है वो 15 डेज से बढ़ के 14 डेज हो गया है, मतलब कि जिसमें आप रजिस्ट्रेशन अपना आपको मिलेगा। उसके बाद जो सेपरेट नोटिफिकेशन है जिसमें कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस है FCRA का वो इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 12 to 7। तो इस तरह से हमने देखा कि गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है, ठीक है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ज़रूरत क्या है, ऐसा क्या क्या प्रोविज़न है और इसकी ज़रूरत क्या है। तो पहला तो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इम्प्लीमेंट करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगर प्रोविज़न देखें तो देखिए ये प्रोहिबिट करती है किसी तरह का भी फॉरेन फंड, चाहे वो कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर। तो ये बेसिकली जो भी फॉरेन फंड्स इन लोगों को आता है उसको रेगुलेट करती है ताकि इसका मिसयूज़ ना हो जाए। उसके बाद जो जो भी फॉरेन फंड्स आ रहे हैं उसके लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में डेजिग्नेट करना पड़ेगा आपको एक अकाउंट जिसमें कि वो फंडिंग आएगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी उस फंड को रख सकते हो। फिर वैलिडिटी ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन, यूज़ ऑफ फंड्स, उसका लिमिटेशन, फिर कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये सारे इसके प्रोविज़न है, मतलब मेजर प्रोविज़न है जो कि आपके 2020 के अमेंडमेंट के बाद देखा गया। हालांकि अब और ज़्यादा चेंजेस लाया गया रिसेंटली, जैसा मैंने हम लोगों ने देखा कि जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, साथ में जो मतलब नए नए जो स्टेक होल्डर्स थे जो लोग अलाउड नहीं किए गए थे पहले उनको भी अलाउ किया गया, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, मीडिया हाउसेस हो गए। तो इस तरह से चेंजेस की जा रही हैं। इम्पॉर्टेंस अगर हम देखें FCRA का तो देखिए पहला तो है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है कि हम FCRA को रखें, ठीक है। साथ में हमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, कई बार क्या होता है कि लॉबी के थ्रू ये NGOs जो है लॉबी करके हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं। दूसरा कि कई बार डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं या NGOs हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जो कि डेवलपमेंट को होने नहीं दिया देना चाहती। उसके बाद इंडियन सोसाइटी और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि कंपैशन इंटरनेशनल जो था 2016 में, उसको गवर्नमेंट ने बार किया फ्रॉम फंडिंग NGOs इन इंडिया, क्योंकि इन पे इल्ज़ाम था कि वो रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे हैं। उसी तरह पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस
मतलब कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है वो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए बाहरी पार्टी या बाहरी कंट्रीज़ के द्वारा, नहीं तो उन पार्टीज़ को यूज़ किया जा सकता है हमारे देश के अगेंस्ट। उसके बाद सॉवरनिटी एंड फ्रेंडली फॉरेन रिलेशन मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारे जो देश फ्रेंड्स हैं ठीक है उनके भी इंटरेस्ट को हम ध्यान दे सकें, ऐसा ना हो कि हमारे ज़मीन को यूज़ करके उनके इंटरेस्ट के हम अगेंस्ट काम करें। तो ये साथ में जो एनजीओज़ हैं, देखिए कि पहले देखा गया कि कई सारे ऐसे एनजीओज़ थे जो जिनको पैसा तो बहुत मिलता था लेकिन वो कैसा मतलब कैसे यूज़ हो रहा है पैसा वो उसका कोई अकाउंट नहीं होता था। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अगर हम देखें ओवरऑल इम्पैक्ट, जब ये स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन लाया गया एफसीआरए का तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। पहला तो कि एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओज़ का जो नंबर था वो डिक्रीज़ हुआ, कैंसिलेशन देखा गया और साथ में रिन्यूएबल रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा देखा गया। मतलब कि 7783 रिन्यूअल एप्लीकेशन कैंसल्ड फ्रॉम 2019 टू 2021। तो ओवरऑल आप अगर आप देखो तो एफसीआरए का आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, बेसिकली गवर्नमेंट इसको चाहती है कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना यूज़ किया जाए, हमारे एनजीओज़ ट्रांसपेरेंट रहें और साथ में जो भी फंडिंग आ रही है कैसे यूज़ हो रहा है उसका एक डाटा रहे गवर्नमेंट के पास, और साथ में कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फॉरेन इंटरफेरेंस ना किया जा सके हमारे देश में। कंसर्न अगर हम देखें कि जो इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का कंसर्न किया है, पहला तो कि कई बार देखा गया कि एनजीओज़ कुछ स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया जाता है, कुछ एनजीओज़ जो फंड्स हैं उसको अच्छा यूटिलाइज़ कर रही है लेकिन एफसीआरए के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के कारण उनकी फंक्शनिंग जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। दूसरा है कि जो एनजीओ का फंक्शनिंग है जैसे मैंने कहा वो इम्पैक्ट करता है, और साथ में एनजीओज़ कुछ स्पेशली टारगेट की जाती है कई बार पॉलिटिकली जो कि गलत है। साथ में ये एक तरह से हमारा वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और साथ में हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या जो इथोस हम बात करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो उसके भी अगेंस्ट ये जाता है। वे फॉरवर्ड में यही बात है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी और पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो टेक्नोलॉजिकल यूज़ है उससे और ज़्यादा ईज़ करने की ज़रूरत है किसको, तो कॉम्प्लायंस को, ताकि एनजीओज़ जो हैं वो ईजीली कॉम्प्लाई कर सकें, और साथ में अपॉर्चुनिटी दी जाए एनजीओज़ को कि अगर वो बार्ड की गई है या उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया, एफसीआरए में उनको अलाउ नहीं किया गया तो उनको सुना जाए, उनको एक चांस दिया जाए ताकि वो डिफेंड कर सके। और साथ में डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़रूरी है जैसा कि हमारे सेकेंड एआरसी में कहा गया है। आपको ये बात भी समझना पड़ेगा कि जो एनजीओज़ हैं उनके भी फंक्शनिंग में रिफॉर्म्स चाहिए ताकि वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं रहें, अकाउंटेबल रहें और बेटर फंक्शनिंग हो। तो इस तरह से हमने ये एफसीआरए का पूरा आर्टिकल समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ रही हो बातें। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।